हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10,000 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 9 में। इस सीरीज के अंतर्गत हम आप लोगों के साथ जीएस के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं को शेयर करते हैं। इससे पहले इस सीरीज़ के हमारे 8 वीडियो जा चुके हैं जिनकी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। इनमें कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उनके कुछ उद्गम स्थल दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंधु। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत का पठार है, ना कि गंगोत्री है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र लेक मानसरोवर से निकलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है। गोदावरी की बात करते हैं तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, जमीन से निकलता है, और इसका ऑप्शन बैतूल दिया हुआ है तो ये गलत है। अगर महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती हैं, रायपुर में सिहवा पर्वत से, तो ये अगस्तियार हिल्स इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, ब्रह्मपुत्र लेक मानसरोवर, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ कीटनाशकों के नाम दिए हुए हैं, कुछ दवाओं के नाम दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सर्वयुक्त उपयोगी कीटनाशक का एक उदाहरण है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डो मिश्रण इसे हिंदी में कहा जाता है, तो बोर्डो मिश्रण का जो प्रयोग होता है वो एंटी फंगस के रूप में होता है, मतलब कवक रोधी के रूप में होता है, कीटनाशक के रूप में नहीं। तो इसका जो प्रयोग होता है वो अंगूर की खेती में मोस्टली इसका यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, ये एक हर्बिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है डाइक्लोरोडाइफेनिट्राइक्लोरोइथेन, जिसे कि हम पॉपुलरली कैसे जानते हैं, DDT के नाम से जानते हैं, और ये एक वेल नोन कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और हाल फिलहाल में इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर किया जाने लगा है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक एक उपधातु है, तो जो हमारा कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है वो है DDT इथेन, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ चोटियों के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ के हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अन्नामुदी। अगर हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो इसको 1980 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और साइलेंट वैली चर्चा में कब आया था, 1973 में कुती नदी है उसके ऊपर एक बांध बनाने की बात हुई तो वहाँ के लोगों ने इसका बढ़ चढ़ कर विरोध किया और ये राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। चूँकि यहाँ पर एक अजीब तरह का सन्नाटा होता है इसलिए इसको साइलेंट वैली नाम दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक सॉइल को भारत में स्थानीय स्तर पर इसको रेगुर मिट्टी के रूप में कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ब्लैक सॉइल के अंदर पानी को ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसलिए जल्दी ही चिपचिपी हो जाती है। इसके अलावा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली भूमि भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग है, इसमें जो खेती होती है वो सर्वाधिक कपास की खेती होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के रीजन में, दक्कन के पठार में और मालवा के पठार के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और गुजरात में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, ये नदियों के बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, तटीय मैदानों में जमा होती है, उसको हम जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहते हैं। और वो जलोढ़ मिट्टी जो नई होती है उसको खादर मिट्टी कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ पे ईंट कंकड़ पत्थर आ जाते हैं और ऊंचाई वाली भूमि पर वो निक्षेपित हो जाता है, उसे हम बांगड़ मिट्टी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे व्हाइट प्लेग के रूप में सामान्यतया जाना जाता है, व्हाइट प्लेग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी या क्षय रोग की जिम्मेदारी, क्षय रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये खांसने, छींकने या नज़दीक आने से फैल सकता है।
पहले यह एक लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में इसकी दवा उपलब्ध है और लगभग 6 महीने से साल भर के ट्रीटमेंट के बाद यह बीमारी ठीक हो सकती है। सामान्यतया इसे व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या है। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट जारी करती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा शुरू की गई थी और ये एक हाई रेटेड बॉन्ड होता है या हाई रेटेड सिक्योरिटी होती है। इसे टॉप रेटेड कंपनियां भी जारी करती हैं, लेकिन ये तभी जारी किया जाता है जब ये बहुत ही अस्थाई प्रकृति का होता है, कंपनी का जो रिटर्न है वो बहुत ही अस्थाई प्रकृति का हो, तभी ये गिल्ट एज सिक्योरिटियाँ जारी की जा सकती हैं। इन सिक्योरिटीज़ के जो किनारे होते थे वो गिल्ट एज होते थे, इसलिए इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ताप विद्युत ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। ऐसा कोई भी दहन ईंधन है तो उसके द्वारा ताप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कौन सा देश है जहाँ पर कि ड्राइएस्ट लोकेशन है, मतलब कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है पृथ्वी पर, किस देश में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, चिली। चिली के अटाकामा डिजर्ट है, अटाकामा डिजर्ट वो सबसे शुष्क स्थान है पृथ्वी का, या तांबे के लिए बहुत ही फेमस है। अगर हम चिली की बात करें तो जो चिली की राजधानी है वो सैंटियागो है, और इसके अलावा जो एक और खासियत है चिली की कि ये इक्वाडोर के साथ एकमात्र और ऐसा देश है जिसकी की सीमा ब्राज़ील से नहीं मिलती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला भी इस देश में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैन ऑफ पीस किससे संबंधित है। इनमें से दिए गए कुछ नेताओं के नाम हैं। मैन ऑफ पीस किसको संबोधित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे आज़ाद भारत के, इन्हें मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि काकोलत वाटरफॉल, काकोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जो काकोलत जलप्रपात है वो बिहार के नवादा ज़िले में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा के मंदिर हैं, चट्टान हैं, वो किस धर्म से संबंधित हैं। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ये औरंगाबाद के निकट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट है। इसमें जो 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुफा नंबर 16, जिसमें कि शिव के बारे में, शिव का वर्णन है वहाँ पर। वहाँ पर एक भव्य शिवलिंग बनाया गया है, तो गुफा नंबर 16 इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है धनुषकोडी किसका कनेक्टिंग पॉइंट है। धनुषकोडी जो क्षेत्र है वो हमारे भारत के दक्षिणतम बिंदु जो रामेश्वरम है वहाँ पर एक गांव है रामेश्वरम में, और ये धनुषकोडी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है सही है। 1964 के पहले तक ये बहुत ही आबाद क्षेत्र हुआ करता था धनुषकोडी, लेकिन 1964 में एक रामेश्वरम में साइक्लोन आया था और इसके बाद ये पूरा क्षेत्र निर्जन हो गया था। यही वो स्थान है जहाँ से ये माना जाता है कि जो राम सेतु बनाया गया था लंका पर चढ़ाई के लिए राम जी के द्वारा, वो यहीं से शुरुआत होती है और यहाँ से दिखाई पड़ता है, इसलिए ये धनुषकोडी बहुत ही फेमस स्थल भी है इस समय पर्यटन के लिए, और ये इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का कनेक्टिंग पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे निम्नलिखित में से कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बीएन राव। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में 1946 में नामित हुए थे। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, एमएन रॉय की बात करें, तो एमएन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, जो कि 1920 में स्थापित हुई थी, कहाँ पर, ताशकंद में। इसके विषय में हम पहले ही एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। के एम मुंशी की बात करते हैं, तो के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थे
ड्राफ्टिंग कमेटी में और एसके डार की बात करें तो एसके डार के अंदर में अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, डार कमेटी, जो कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस से संबंधित थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि जूनागढ़ जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो इनमें से किस राजा से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के विजय के बारे में उल्लेख है कि उसने दक्षिण में राजाओं को पराजित किया था, तथाकथित म्लेच्छ राजाओं को पराजित किया था और अपने साम्राज्य की स्थापना दक्षिण तक की थी। इसके अलावा अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है, यहाँ पर दो अभिलेख या दो शिलालेख पाए जाते हैं। यहीं पर हमें फेमस सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है कि सुदर्शन झील जिसका कोई निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वहाँ के राज्यपाल, सूरत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था, पुष्यगुप्त छत्री ने, और इसका जो मरम्मत करवाया था वो सख्त शासक रुद्रदमन ने लगभग 150 ईस्वी में इसका मरम्मत करवाया था, किसका, सुदर्शन झील का। इसके अलावा समय समय पर इसकी मरम्मत और करवाई गई थी, अशोक के द्वारा भी मरम्मत कराई गई थी, अशोक के बाद ये मिलता है कि रुद्रदमन ने करवाया था और 450 ईस्वी में इसका एक पुनः इसका जो है मरम्मत कराया गया था इस सुदर्शन झील का। इसलिए अक्सर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, पूछा ही जाता रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि फेमस लायन टेल्ड मकॉक किस क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में किस क्षेत्र में लायन टेल्ड मकॉक पाया जाता है। तो लायन टेल्ड मकॉक की बात करें तो ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है जिसका कि चेहरा शेर की तरह होता है और इसमें बड़े बड़े बाल होते हैं और इसकी पूंछ भी कैसी होती है, शेर की तरह इसकी पूंछ होती है, इसलिए इसे लायन टेल्ड मकॉक कहा जाता है। तो ये केरल के पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है, लायन टेल्ड मकॉक। बहुत ही छोटा होता है, ये लगभग 50 सेंटीमीटर का होता है बस, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधार कला किसका कॉम्बिनेशन है। तो गांधार कला को हम इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक, न कि इंडो रोमन। ग्रीको रोमन बोलते हैं या फिर इंडो ग्रीक बोलते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट भी इसी का एक नाम है। गांधार कला दो कलाओं का मिश्रण है। इसमें जो विषय वस्तु हुआ करती थी, जो सब्जेक्ट हुआ करता था, वो तो इंडियन सब्जेक्ट हुआ करता था, भारतीय विषय वस्तु हुआ करती थी, लेकिन उनका जो चित्रण होता था वो रोमन संस्कृति के आधार पर, रोमन देवताओं के आधार पर किया जाता था। इसके अंतर्गत बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनाई गई थी, बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बुद्ध के जो बाल होते थे, जूड़ा होता था, उसको जूड़ा बना करके बांध दिया गया था इस कला के अंतर्गत। इसके अलावा मांसपेशियों का एकदम सजीव चित्रण किया गया था और उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए गए थे और उनकी सिलवटें स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, मतलब कि उनके जो बाह्य चित्रण होता था, बाह्य आवरण होता था, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, किसमें, इंडो ग्रीक या गांधार कला के अंतर्गत। और इसके पीछे एक भव्य आभा भी बनाई जाती थी कि जैसे पीछे से रोशनी आ रही है, पीछे मुकुट दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके का आभा बनाया जाता था इस गांधार कला के अंतर्गत। ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता रहता है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति के पेपर में इसको हम आपके साथ अलग से डिस्कस भी करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलमार्ग मध्य या जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है वो यूरोप को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। जिब्राल्टर एक द्वीप भी है। अगर जिब्राल्टर द्वीप की बात करें तो इस पर किसका वो नियंत्रण है, वो है ब्रिटेन का, जबकि ये पाया कहाँ पे जाता है, स्पेन के पास में पाया जाता है। लेकिन जिब्राल्टर द्वीप की बात होगी तो जिब्राल्टर द्वीप किसके अंतर्गत है, वो ब्रिटेन के अंतर्गत है। और ये जलमडरमद या जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि खुले स्थानों पर या क्राउडेड प्लेसेस पर
जो फोबिया होता है, फियर होता है, उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया जो खुले स्थानों पर अगर किसी व्यक्ति को जाने में कोई डर हो रहा है, ओपन प्लेसेस पर, तो उसे एगोरोफोबिया कहते हैं। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो क्लस्ट्रोफोबिया वो होता है जब बंद स्थान पर या भीड़भाड़ वाली जगहों पर, बंद स्थान पर जो भीड़भाड़ होती है वहाँ पर जो कोई डर होता है उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एफ्रोफोबिया की बात करते हैं तो अफ्रीकन मूल के लोगों के संबंध में जब कोई पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेता है तो उससे संबंधित जो भी फोबिया होता है उसे एफ्रोफोबिया कहा जाता है। और सिजोफ्रेनिया की बात करें तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, बीमारी होती है जिसके कि अंतर्गत व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता प्रभावित होती है। व्यक्ति इसमें समय समय पर भूल जाता है चीज़ों को और उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि INS सिंधुवीर भारत के द्वारा किस देश को दिया गया है? तो INS सिंधुवीर एक किलो क्लास श्रेणी की एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और ये हाल फिलहाल में म्यांमार को भारत के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये म्यांमार की पहली सबमरीन होगी और ये भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंधों के बानगी प्रस्तुत करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे है या सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना बड़ा भी है और चाइना चाय के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका है और चौथे नंबर पर केनिया है। भारत भी चाय के लिए बहुत ही फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने आश्वस्त, जो कि भारत का पहला फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, उसको लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के रूप में, भारत के पहले साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के रूप में आश्वस्त योजना को लॉन्च किया है। इसके अलावा इससे संबंधित दो और योजनाएं लॉन्च की गई जो कि हैं विश्वास और विश्वास के साथ में नेत्रांग। अगर हम विश्वास की बात करें तो ये एक वीडियो एनालिसिस के ऊपर आधारित एक योजना है। इसके तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, लोगों की पहचान की जा सकती है पोर्ट पर और इसके अलावा विमान पत्तनों पर जो भी कोई लोग जा रहे हैं वीडियो एनालिसिस करते हुए उनकी पहचान की जा सकती है कि कौन इसमें से अपराधी है। इसके अलावा लगभग 33 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे नेत्रांग योजना के तहत, और आश्वस्त योजना इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के साथ में सम्मिलित है, जो कि भारत का पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है और गांधीनगर में शुरू किया गया। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के अंतर्गत कौन से व्हाइट ब्लड सेल की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स लगभग हमारे व्हाइट ब्लड सेल का 50-70% हिस्सा कवर करती है, और जब भी शरीर में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले रिएक्ट करता है वो न्यूट्रोफिल होता है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल के अलावा बासोफिल जो कि फंगाई कवकरोधी होता है या फंगाई एंटी फंगाई होता है, ईओसिनोफिल्स ये भी एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए ये असर करता है। तो न्यूट्रोफिल, बासोफिल, ईओसिनोफिल और इसके अलावा मोनोसाइट भी व्हाइट ब्लड सेल में होता है। ये डेड सेल्स को, हमारे शरीर के जो भी डेड सेल होते हैं उनको हटाता है। इन सब के अलावा बी सेल और टी सेल भी व्हाइट ब्लड सेल में होते हैं। बी सेल और टी सेल को हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक भी कहा जाता है, जो कि कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं या अन्य जो भी बाहरी आक्रमणकर्ता होते हैं उन्हें ये नष्ट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टील का ऐसा कौन सा एलॉय है जिसका कि उपयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में, जैसे कि एक्सल या बॉल बीयरिंग आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा स्टील होता है, कौन से स्टील का एलॉय होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? इसमें स्टील के अलावा इसमें क्रोमियम, निकिल आदि तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि जो स्टील होता है
वो जंग रोधी होता है, मतलब कि उसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसकी खासियत क्या है कि ये अपनी तरह का ऐसा दूसरा सबसे पुराना संस्थान है जिसकी की स्थापना की गई थी। पहला कौन सा है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया 1773 के आसपास में स्थापित की गई थी, और उसके बाद ये दूसरा सबसे पुराना संस्थान है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1851 में स्थापित किया गया था। ये भूविज्ञान से संबंधित जो भी रिसर्चेज होती हैं, सर्वे होती हैं, उनको वो इनके अंडर में परफॉर्म की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो ब्रेड बास्केट जो रीजन होता है वो टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, टेम्परेट ग्रासलैंड, वो सही है। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के अलग अलग नाम होते हैं, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में जो पाए जाते हैं लगभग 45 डिग्री 30 के आसपास में, उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में इन्हें हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं, और साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में इन्हें हम डाउन्स के वेल्ड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको हम डाउन्स कहते हैं, और यूरेशिया की बात करते हैं तो इन्हें हम स्टेपीज कहते हैं। ये इन क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन के लिए एक आदर्श मौसम होता है और सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और जल्द ही मिलते हैं हम आपको आपके साथ इसके अगली सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।